हम विदेश से हमने मंगाई है गाइस लैम्बोर्गिनी, तो वो लेने जाएंगे। तो हमारा ये ब्लैक घोड़ा पड़ा, इसको यहीं पे रहने देते, ऊपर पार्क थे इसको हमने, क्योंकि भाई इधर सब लोग यहाँ पे एरिया में ऐसे लोग ही रहते हैं, चोरी कर लेते हैं यार। गिर गया गाइस, मैं सीढ़ियों के वो कांच के ऊपर चल रहा था। ये हमारे दूसरा ब्लैक घोड़ा, इसको लेकर जाते हैं। लेकर जाते हैं लैम्बोर्गिनी मुंबई है शहर में, मेरे दोस्तों के पास है भाई लैम्बोर्गिनी है, लेकिन मैंने तो मंगाई वो सबसे खतरनाक है भाई। तो सीधा वहाँ पे जाते हैं लैम्बोर्गिनी के पास। चलो गाइस, शोरूम जाते वक्त मुझे याद आया कि मैंने लाल लैम्बोर्गिनी मंगाई थी, लाल शर्ट पहन के आते थे, मैंने लाल पहन लिया। मैं लाऊंगा कैसे भाई, टो करके लाना पड़ेगा ना कार को, तो मैं टो ट्रक भी ले लिया अपने फ्रेंड के पास से लेकर आया हूँ। और हमारी स्कॉर्पियो और वो अपने भाई मेन पार्किंग एरिया में रख आ गया। इसका टो ट्रक देखो कितना घटिया है, दोनों दरवाजे भी खुल गए। तो जाते शोरूम में, वहाँ से गाड़ी को टो करते ट्रक लेके यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे तीन कार है भाई, हमारे रेड नंबर की भी दिख ही नहीं। रुक रहा शोरूम के ऑनर से बात करते भाई, ये मैनेजर है, ये ऑनर नहीं है। ये कह रहा है कि आपकी रेड नंबर की आपकी कौन सी कार ले जाओ। मैंने कहा भाई मेरे तो लाल कलर की लैम्बोर्गिनी आने वाली थी, ये तो ग्रीन है। तो इन्होंने कहा आपकी लाल लैम्बोर्गिनी कल आएंगी, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे होगी, जाके देख के आ जाओ, वहाँ से टो करके यहाँ पे नहीं लाए होंगे। तो चलो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे देख के आते हैं। चलो प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, जैसे एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म, क्या कह रहा मैं भी उसकी देख इतना पहुँचते, हमको हमारी लैम्बोर्गिनी मिल जाती है। तब हमारी लैम्बोर्गिनी एक बार देखेंगे, आराम से देख लो कितने खतरनाक है ना भाई, जोरदार कार है। ऐसे हल्के में थोड़े ना ले, हल्के में मत लेना तेरे भाई को, महंगी महंगी कार परचेस करता रहता है आपका भाई। ये देख लो पीछे से खतरनाक है ना, एक साइड से भी देख लो है ना जोरदार। ये आगे से देख लो मेरी कार, थंबनेल के लिए स्क्रीनशॉट निकाल लेते हो। आ चुका है गाइस स्क्रीनशॉट भी थंबनेल के लिए, तब सीधा लेके चले जाते हैं इसको घर पे। अंदर से ऐसे देख लो, अंदर से तो सब खास नहीं होती, अंदर भी देखने में जो होती है भाई स्पीड स्पीड में भी नेक्स्ट लेवल है भाई। और मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाया करूँगा, क्यों लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता हमारे देश के अंदर, ठोक वोक देते यार गाड़ी को। ये ऊपर भी नहीं चढ़ेगी, इसका ऐसा इतना खराब हाल है, इतना नहीं चढ़ेगी मेरे को देगा। इसको यहीं पे रखते हैं, बाद में पीछे वाले गैरेज में रख देंगे, टिका विका तो कर देते हैं। हमारे इंडिया देश में आपको पता होगा टीका करते हैं, हमारी कार का टीका कर देते हैं। देखो ऑटोमेटिक लाइट भी चालू हो गई, टीका हो चुका है गाइस कार का। तभी इस कार को पीछे वाले गैरेज में पार्क कर देते हैं और वीडियो भी खत्म कर देते हैं। आगे की साइड से नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं तो वो आगे का फाटक टूट जाएगा मेरे, दिख रहेगा।
भाई, ये रहा मेरा दीकरा। थंबनेल में यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लूँगा मैं। ठीक है, चलो बाय।